मेरे ख्याल से सब लोग आ चुके हुए हैं। अच्छा जी, द एडमिशन ऑफ पार्टी टू एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन बाय हिमसेल्फ शैल बी सफिशिएंट प्रूफ ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन एज अगेंस्ट हिम दो इट बी अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू बी अटेस्टेड। अगर पार्टी जिसने खुद से वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किए हों, जिसने खुद से सिग्नेचर किए हों, वो पार्टी अगर खुद एडमिट कर लेती है कि ये डॉक्यूमेंट मैंने ही साइन किए हैं या मैंने ही एग्जीक्यूट किए हैं, तो ये भी एक सफिशिएंट प्रूफ है इस बात का कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसको बाकायदा एग्जीक्यूट किया गया है, चाहे वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर करना ज़रूरी हो या ना हो। यानी कि अब यहाँ पे जो गवाह हैं, जो 80 के तहत गवाह नहीं मिल रहे थे, उन गवाहों के बारे में भी एविडेंस बुलाई जा रही थी, तो 81 में कहा जा रहा है कि अगर वो शख्स खुद से ही एडमिट कर लेता है जिसने वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया या साइन किया, तो ये भी उस डॉक्यूमेंट के जो एविडेंस है उस डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड उसके लिए ये सफिशिएंट प्रूफ है। 82 प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज द एग्जीक्यूशन। If the attesting witness denies or does not recollect the execution of the document, its execution may be proved by other evidence. अब यहाँ पर 82 जो है, 80 और 82 सेम सिचुएशन दे रहे हैं कि जिस विटनेस ने याद नहीं है, उसको रिकलेक्ट याद ही नहीं कर पा रहा कि वाकई ये डॉक्यूमेंट मेरे सामने एग्जीक्यूट हुए थे या नहीं, या फिर वो विटनेस ही मुकर जाता है, उससे डिनाई करता है, तो ऐसी सूरत में भी जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस होगी दूसरे लोग उस जो डॉक्यूमेंट है उसकी एग्जीक्यूशन के लिए एविडेंस दे सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट वाकई इसी विटनेस की मौजूदगी में एग्जीक्यूट किया गया था। बाज़पा विटनेसेस हॉस्टाइल हो जाते हैं, डिनाई कर दें कि जी हमारे साइन ही नहीं, हमें पता ही नहीं, या फिर वो भूल जाते हैं, याद नहीं कर पाते होते, हॉस्टाइल होने की सूरत में भी और याद ना कर पाने की सूरत में भी जो आर्टिकल 80 है इसके तहत उसकी जो एविडेंस है वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो लोग और होंगे मौजूद होंगे वो भी दे सकते हैं, और 81 के तहत वो पार्टी खुद भी उसको एडमिट कर सकती है। उसके बाद आता है जी आर्टिकल 83, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू बी अटेस्टेड। एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू बी अटेस्टेड मे बी प्रूव्ड एज इफ इट वाज अनअटेस्टेड। अब जिस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करना जरूरी नहीं है या जिसे गवाहों की मौजूदगी में एग्जीक्यूट करना ज़रूरी ना हो, तो उस डॉक्यूमेंट को भी बिल्कुल ऐसे ही प्रूफ किया जाएगा जिस तरह आर्टिकल 80, 81 और 82 में किसी डॉक्यूमेंट को प्रूफ किया जा रहा है। यानी ऊपर तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिनके लिए दो गवाहों का होना ज़रूरी है, और उन गवाहों की मौजूदगी में अगर उसकी एग्जीक्यूशन हुई थी तो उन गवाहों से, या फिर उन गवाहों के लिए भी अगर किसी और एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है तो उसको उस एविडेंस को एडमिसिबल समझा जाएगा। लेकिन 83 में ऐसे डॉक्यूमेंट की बात हो रही है जिसके लिए दो गवाहों की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी उस डॉक्यूमेंट को प्रूफ करना ज़रूरी है, तो ऐसी सूरत में उस डॉक्यूमेंट को भी ऐसे ही प्रूफ किया जाएगा कि अगर विटनेसेस मौजूद हों ये कहने के लिए कि हमारी मौजूदगी में यह डॉक्यूमेंट लिखा गया था या हमारी मौजूदगी में यह डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया था। उसके बाद आ जाता है जी आर्टिकल 84, कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर राइटिंग और सील विद अदर्स एडमिटेड और प्रूफ। अब ये भी हैंड राइटिंग से रिलेटेड है। 61 में हमने पढ़ा था अक्वेंटेड पर्सन देगा,
78 कहता है कि जिन डॉक्यूमेंट्स जहां पे राइटिंग या सिग्नेचर ही इशू हो तो उसे प्रूफ किया जाना जरूरी है, उस राइटिंग को उसी शख्स की राइटिंग में प्रूफ किया जाना जरूरी होगा जिसके खिलाफ अलेज किया जा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट उस शख्स की राइटिंग में लिखा हुआ है। अब बात आती है 84 की, कंपेयर करने का, ये भी एक मोड है राइटिंग को प्रूफ करने का। In order to ascertain whether a signature, writing or seal is that of the person by whom it purports to have been written or made, any signature, writing or seal admitted or proved to the satisfaction of the court to have been written or made by that person may be compared with the one which is to be proved. Yani pehle se एक सिग्नेचर, राइटिंग या सील प्रूफ शुदा मौजूद है, जिसे प्रूफ किया जा चुका है या जिसे एडमिट कर लिया गया है कि ये डॉक्यूमेंट फलां शख्स की राइटिंग में, या ये सिग्नेचर फलां शख्स के हैं, या ये सील फलां शख्स की है, एक एडमिटेड डॉक्यूमेंट कोर्ट में मौजूद है, तो अब दूसरा डॉक्यूमेंट जिसके बारे में डिस्प्यूट है कि ये पता नहीं उसी शख्स की राइटिंग में है या उसी के सिग्नेचर हैं या नहीं है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि कोर्ट उन दोनों डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर कर लेगी, जो पहले से प्रूफ है उसको और जिसके बारे में डिस्प्यूट है उन दोनों को कंपेयर करेगी कि क्या राइटिंग वाकई मिलती जुलती है। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो एक शख्स मखसूस अंदाज में ही लिखता है, चाहे जितनी दफा लिखे वो उस अंदाज को, उस वर्ड को उसी अंदाज में लिखने का आदि होता है। किसी का टी लिखने का स्टाइल, किसी का एफ लिखने का स्टाइल, किसी का एच लिखने का स्टाइल, तो ये सारे जो स्टाइल्स होते हैं वो आपकी राइटिंग से। अब अगर आपने एक पेज लिखा है और दूसरा पेज भी मौजूद है तो दोनों को कंपेयर किया जा सकता है। और इसके अलावा भी The court may direct any person present in the court to write any words or figures for the purpose of enabling the court to compare the words or figures so written with any words or figures alleged to have been written by such person. Iske ilawa dusra tarika iska ye hai ke us shakhs ko kaha jayega ke wo koi statement likh de ya koi specific words likh de jinke bare mein कोर्ट अपनी ओपिनियन दे सके कि वाकई ही ये राइटिंग इस शख्स की है या नहीं। अब उसको कोई ना कोई स्टेटमेंट लिखने के लिए जब कहा जाएगा, या सेम वही वर्ड्स जो पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट में हैं, जिसको जो के डिस्प्यूटेड है, उस डॉक्यूमेंट में अगर कोई ऐसे वर्ड्स लिखे गए जिन्हें कोर्ट कहेगी कि वो दोबारा से, या इसी स्टेटमेंट को सारी को दोबारा से वो लिख के कोर्ट में दे दे, तो फिर कोर्ट उन दोनों को कंपेयर कर सकती है कि जो बाद में उसने स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट लिखा या सिग्नेचर किए, क्या वो पहले से लिखे हुए के साथ मिलते जुलते हैं या नहीं। तो ये जो दूसरा मोड है हमारा, ये है कंपेयर करने का। पहला 61 में हमने पढ़ा था, 61 में हमने पढ़ा था जो सिग्नेचर या राइटिंग होगी वो अक्वेंटेड पर्सन आके उसको शनाख्त करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। दूसरा मोड है हमारे पास 84 के तहत, जिसमें जो शख्स है जिसकी राइटिंग अलेज की गई है उसके खिलाफ या फिर जिस तरह से भी, तो वो लिखेगा और फिर इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंपेयर किया जाएगा। दूसरा तरीका हमारा कंपेयर करने का है। This article applies also with any necessary modifications to finger impressions. अब यहाँ पे finger impressions यानी कि अगर किसी का अंगूठा या किसी की कोई भी finger impression है जिससे related, जो ये देखना हो कि क्या दूसरे document पर भी इसी ने अंगूठा लगाया है या इसी का thumb impression मौजूद है, तो उससे दोबारा एक और document पे अंगूठा लगवा के देखा जा सकता है, या उसी फिंगर से रिलेटेड इम्प्रेशन लिया जा सकता है जिस फिंगर का वहाँ पे निशान मौजूद है। राइटिंग और थंब इम्प्रेशन दोनों के बारे में, अब लकीरें जो हैं वो एक शख्स की दोनों अगर जगह पे अंगूठा लगाया जाएगा तो अंगूठे का स्टाइल, उसका हुजम, उसका जो प्रेस करने का अंदाज है वो भी सेम होगा। उसके बाद है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स।
The following documents are public documents. Documents forming the acts or the records of the acts. यानी के जितने भी एक्स या फिर उनका जो रिकॉर्ड अगर तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स या वो एक्ट या फिर उनका जितना भी रिकॉर्ड है वो ऑफ द सॉवरेन अथॉरिटी ऑफ ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल्स एंड ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स लेजिस्लेटिव जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान और ऑफ अ फॉरेन कंट्री. अब ये ऐसे इदारे या फिर ऐसी अथॉरिटीज़ हैं कि अगर ये कोई नोटिफिकेशन इनकी तरफ से आता है तो वो सारे नोटिफिकेशंस जो हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं. यानी गवर्नमेंट की अथॉरिटी में अब जितनी जितनी यहाँ पे अथॉरिटीज़ लिखी गई हैं ऑफ द सॉवरेन अथॉरिटी जो मुल्क की सॉवरेन अथॉरिटी है गवर्नमेंट हो गई वो ऑफ ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल्स कोर्ट्स की तरफ से या फिर इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से अगर कोई नोटिफिकेशन आ जाता है जैसे पीपीएससी की तरफ से ये ऑफिशियल बॉडी है पीपीएससी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा वो या फिर किसी हाई कोर्ट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आ जाए वो वाला ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स लेजिस्लेटिव जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव. यानी पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में कोई भी अथॉरिटी चाहे वो गवर्नमेंट की सूरत में है चाहे वो किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है या फिर उसका ताल्लुक किसी लेजिस्लेटिव बॉडी से है पार्लियामेंट क्योंकि एक्ट बनाती है या फिर पार्लियामेंट अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट को कोई एक्ट या रूल्स बनाने के लिए अथॉरिटी दे देगी तो वो लेजिस्लेटिव बॉडी जो है वो भी अगर कोई एक्ट पास करती है कोई कानून पास करती है या कोई नोटिफिकेशन इशू करती है तो वो सारे नोटिफिकेशंस पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं. उसके बाद नंबर दो पे है पब्लिक रिकॉर्ड्स कैप्ट इन पाकिस्तान ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स. जितने भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन तमाम प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स का जो पब्लिक रिकॉर्ड रखा जाता है जैसे आईडी कार्ड एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है और इस प्राइवेट डॉक्यूमेंट का जो रिकॉर्ड होगा वो क्योंकि गवर्नमेंट के पास होगा और गवर्नमेंट के पास जब वो रिकॉर्ड महफूज होगा तो उसको सेव किया जाएगा वो वहाँ पे पब्लिक रिकॉर्ड कहलाएगा. पब्लिक रिकॉर्ड जो गवर्नमेंट के पास है हमारे आईडी कार्ड का हमारा जो पासपोर्ट होता है वो ये सारे के सारे क्योंकि प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन इनका रिकॉर्ड जो है वो गवर्नमेंट के पास मौजूद होता है पब्लिक रिकॉर्ड की सूरत में. उसके बाद नंबर तीन पे है डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग. वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि जुडिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा होते हैं जैसे जजमेंट्स हो गई कोई भी ऑर्डर कोर्ट जब अनाउंस करती है डिक्री है ये तमाम वो रिकॉर्ड होते हैं जो हमारे पास ओरिजिनल नहीं आते. कोर्ट ने जो जजमेंट या डिक्री पास की होती है हमारे पास उसकी अटेस्टेड कॉपी आती है लिहाजा ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स जुडिशियल प्रोसीडिंग का हिस्सा होते हैं जो रिकॉर्ड में लगे होते हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट इसलिए कहलाते हैं कि कोई भी शख्स उनकी उनकी अटेस्टेड कॉपी के लिए अप्लाई कर सकता है. उसके बाद नंबर फोर पे है जी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय अ पब्लिक सर्वेंट अंडर एनी लॉ. कोई भी पब्लिक सर्वेंट जिसकी ड्यूटी हो कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट को अपने पास मेंटेन कर सकता है जिस तरह पटवारी के पास जो फर्द और गिरदावरी वगैरह है वो सारी पटवारी क्योंकि पब्लिक ऑफिसर है लिहाजा उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होंगे हम जाके उसकी अटेस्टेड कॉपी उससे ले सकते हैं या इसके अलावा भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है जिसकी हम कॉपी जाके वसूल कर सकते हैं वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाएगा. नंबर फाइव रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट टू द एग्जीक्यूशन वेयर ऑफ इज नॉट डिस्प्यूटेड. ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी हो और रजिस्ट्रेशन उनकी डिस्प्यूटेड ना हो
यानी कि उनकी उनको बाकायदा तौर पे रजिस्टर किया जाता है, जैसे निकाह नामा है, निकाह नामा बाकायदा तौर पे रजिस्टर किया जाता है, कोई भी पार्टी जाके उसकी कॉपी ले सकती है, और ये रजिस्ट्रेशन जो है ये डिस्प्यूटेड ना हो तो ऐसी सूरत में वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाता है। उसके बाद है नंबर 6 पे, सर्टिफिकेट डिपॉजिटेड इन आ रिपोजिटरी पर्सुएंट टू द प्रोविजंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस ऑर्डिनेंस 2002। ऐसे तमाम सर्टिफिकेट्स जो डिपॉजिट किए जा सकते हैं इन आ रिपोजिटरी पर्सुएंट टू द प्रोविजन, अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 के तहत, यानी कि वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो के किसी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए, जिस तरह हम लोग ऑनलाइन एडमिशन अपने भेज रहे होते हैं, या फिर ऑनलाइन जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग डाउनलोड कर रहे होते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 के तहत, क्योंकि ये ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं जिनको बाकायदा तैयार करके गवर्नमेंट की तरफ से ये सर्टिफाई होते हैं। हम ऑनलाइन एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट हम लोग डाउनलोड करते हैं वो सर्टिफाई होता है, बाकायदा उसके सीरियल नंबर्स वगैरह जो है वो लगे होते हैं, और हम उन डॉक्यूमेंट्स पे जब अपने एडमिशन भेज रहे होते हैं तो वो भी कोई भी शख्स उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करता है अगर, तो वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाता है। उसके बाद हम चलते हैं जी आर्टिकल 86 के तहत, अपना जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स है अब वो कौन से हैं, ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स आर प्राइवेट, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होंगे वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे। जैसे किसी की विल है, उस विल का ताल्लुक किसी दूसरे शख्स के साथ नहीं है, और ना ही कोई हर बंदा जाके किसी की विल की कॉपी निकलवा सकता है, तो विल जो है वो एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। इसी तरह से जो आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड जो ओरिजिनल हमारे पास मौजूद है, हमारा जो लाइसेंस होता है, ये भी हमारा जो है ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा हमारी अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे जो हमारे अपने पोजेशन में हैं वो हमारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 87 पे, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। जी इंडिविजुअल राइट्स, हमारा जो विल है विल से भी इंडिविजुअली राइट्स क्रिएट होते होते हैं, किसी एक शख्स के हक में वो विल की जाती है, तो इंडिविजुअल ही, अब सारी दुनिया के हक में तो विल नहीं ना की जा सकती। इसी तरह से आईडी कार्ड है हमारा, तो वो उसका राइट सिर्फ हमारे पास है कि हम उसे अपने बिहाफ पे जैसे चाहे यूज कर सकते हैं। आपका स्टैम्प पेपर हो गया, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, वो स्टैम्प पेपर भी जो है आप, क्योंकि किसी एक पार्टी या एक से दो पार्टी जो म्यूचुअल होती हैं उसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड उनके राइट्स को या लायबिलिटीज को वो क्रिएट कर रहा होता है, लिहाजा वो भी हमारा प्राइवेट डॉक्यूमेंट कहलाता है। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, एवरी पब्लिक ऑफिसर हैविंग द कस्टडी ऑफ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट व्हिच एनी पर्सन हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट shall give that person on demand a copy of it on the payment of the legal fee thereof. Therefore, अब वो डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट जिस पब्लिक ऑफिसर की कस्टडी में होते हैं या जिसकी जिम्मेदारी होती है उन डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना, कोई भी शख्स उनको इंस्पेक्ट करने की नियत से जाके उन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, और अगर उसकी कॉपी लेनी है तो वो उसके लिए बाकायदा जो फीस मुकर्रर की गई होती है वो फीस अदा करने के बाद उसकी कॉपी ले सकता है। जिस तरह जो निकाह नामे हैं, निकाह नामे किसी भी यूनियन काउंसिल में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे ये रिकॉर्ड यूनियन काउंसिल के पास मौजूद होता है, तो रिकॉर्ड जो है उसको इंस्पेक्ट भी किया जा सकता है, निकाह नामे को किसी को देखा जा सकता है, या फिर उसकी कॉपी भी हम वसूल कर सकते हैं। हालांकि निकाह नामा जो है ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, लेकिन रिकॉर्ड जो है इसका वो पब्लिकली पड़ा होता है, लिहाजा ये हम पब्लिकली इसकी इंस्पेक्शन भी की जा सकती है और इसकी कॉपी भी ली जा सकती है।
ये सेम इसी चीज को वो जो ऊपर हमने पढ़ा भी था नंबर दो पे, पब्लिक रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड पब्लिक ही है लेकिन डॉक्यूमेंट जो है ये प्राइवेट होता है. तो अब फीस देने के बाद टुगेदर विद अ सर्टिफिकेट रिटन ऑन द फुट ऑफ सच कॉपी दैट इट इज अ ट्रू कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट और पार्ट देयर ऑफ. अब वहां पे उस ऑफिसर ने, वही पब्लिक ऑफिसर जिसके कस्टडी में वो डॉक्यूमेंट मौजूद होगा, वो उसके ऊपर अपने सिग्नेचर्स या अपनी जो स्टैंप है या सील है वो पुट करेगा और उसके नीचे लिख देगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये असल की कंटेंट्स के मुताबिक बिल्कुल ट्रू इसकी कॉपी है और ट्रू सर्टिफिकेट है. एंड सच सर्टिफिकेट शैल बी डेटेड एंड सब्सक्राइब्ड बाय सच ऑफिसर. उसके ऊपर जब उसने सील अपनी लगानी है, स्टैंप लगानी है, तो नीचे उसने सिग्नेचर भी करने होते हैं और साथ में डेट भी लिखनी है कि किस डेट पर ये डॉक्यूमेंट उससे उसकी अटेस्टेड कॉपी ली गई थी. विद हिज नेम एंड हिज ऑफिशियल टाइटल एंड शैल बी सील्ड व्हेन एवर सच ऑफिसर इज ऑथराइज्ड बाय द लॉ टू मेक यूज ऑफ अ सील एंड सच कॉपीज सो सर्टिफाइड शैल बी कॉल्ड सर्टिफाइड कॉपीज. आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स इस तरह से जो अटेस्टेड कॉपीज ली जाएंगे उनके ऊपर जो पब्लिक ऑफिसर है वो अपनी स्टैंप लगाएगा, सिग्नेचर करेगा, अपना टाइटल लिखेगा और अपने सिग्नेचर्स लिखने के साथ साथ डेट वगैरह भी मेंशन कर देगा. तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सर्टिफाइड कॉपी होगी उस पब्लिक डॉक्यूमेंट की, जिससे किसी भी पर्पस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं. Any officer who by the ordinary course of official duty is authorized to deliver such copies shall be deemed to have the custody of such documents within the meaning of this article. Yani authorized officer se murad wo officer hoga jo public officer hai lekin wo authorized bhi ho us document ki copy faraham karne ka. Koi bhi shakhs डॉक्यूमेंट की कॉपी फ्राहम नहीं कर सकता जब तक के वो लीगली ऑथोराइज्ड ना हो. जिस तरह कोर्ट में हम जाते हैं तो जाके वहां पे एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन देंगे कहाँ जाके देते हैं एप्लीकेशन, हम लोग जो लीगल ब्रांच होती है वहाँ. कोर्ट में जाके एप्लीकेशन नहीं देते कि हमें फला डॉक्यूमेंट जो है उसकी जजमेंट जो है या डिग्री है उसकी कॉपी फ्राहम की जाए. वो जाके हम सवालनामा देते हैं लीगल ब्रांच में और वहां से वो सारा तैयार होके हमें फिर मिलता है. यानी वो लीगल ब्रांच जो है वो ऑथराइज्ड लीगल ऑफिसर हम उसे कह सकते हैं. ना तो एलमत दे सकता है, ना रीडर दे सकता है और ना ही बजाते खुद जज उस जजमेंट की कॉपी हमें प्रोवाइड कर सकता है. उसके बाद नंबर टू है, फोटोस्टेट कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स शैल नॉट बी एडमिसिबल अनलेस इट हैज बीन सर्टिफिकेट टू बी द ट्रू कॉपी बाय द ऑफिसर कंसर्न्ड हु हैज द कस्टडी ऑफ द ओरिजिनल. अब जब तक उस कॉपी को, उस ओरिजिनल की जो फोटोस्टेट है उससे जब तक सर्टिफाई नहीं किया जाएगा उस पब्लिक सर्वेंट की तरफ से, तब तक उसे एविडेंस में एडमिसिबल नहीं माना जा सकता. Number three, official notes and correspondence on copies there of being not public documents shall not be issued and shall not be admissible in any case. Official notes and correspondence on copies there of. अब यहाँ पे जिस जिस तरह से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या जिस तरह से जो लेटर पैटर्न्स होते हैं, लेटर पैड्स होते हैं, उनके ऊपर अगर कोई स्टेटमेंट लिख दी जाती है तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं बन जाएगा. जी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल एक ही एक्सप्लेनेशन है, सब आर्टिकल टू एंड सब आर्टिकल थ्री हम लोग पढ़ रहे हैं आगे. एटी सिक्स का छ है ही नहीं, एटी फाइव का कह रहे हैं आप. ओके एटी फाइव का, एटी फाइव में नंबर सिक्स जो है ये सर्टिफिकेट्स डिपॉजिटेड इन अ रिपोजिटरी पर्सुएंट टू द प्रोविजंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस ऑर्डिनेंस 2002 ऐसे डॉक्यूमेंट
जिनको ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम से ही हम उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ही कहलाते हैं। ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए, चाहे वो किसी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, इसके अलावा जिस तरह हम ऑनलाइन एडमिशन भेजते हैं, वो सारे फॉर्म्स जो होते हैं हमारे, वो जो हैं वो हम लोग डाउनलोड कर रहे होते हैं, या फिर बाज दफ़ा किसी के टैक्स से रिलेटेड आपने कोई इंफॉर्मेशन देखनी है, वो आप उसकी वेबसाइट पे जाके तो वहाँ से डाउनलोड कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद अब ना आपको समझ आ गई है नंबर 2 और 3 की, 87 का सब आर्टिकल 2 मैं रिपीट कर देती हूँ। फोटोस्टेट कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स शैल नॉट बी एडमिसिबल अनलेस इट हैज बीन सर्टिफिकेट टू बी द ट्रू कॉपी बाय द ऑफिसर कंसर्न हु हैज द कस्टडी ऑफ द ओरिजिनल। अगर कोई पब्लिक रिकॉर्ड किसी ऑथोराइज्ड पब्लिक ऑफिसर के पास है, तो जब तक वो अपने सिग्नेचर्स या अपनी सील या स्टैंप लगा के नहीं देगा, तब तक हम उस डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये यूं समझ लीजिए आप कि जिस तरह अदालत से कोई जजमेंट या कोई भी कॉपी हम लें जिसके ऊपर बाकायदा जज के सिग्नेचर ही ना हुए हो, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एविडेंस में एडमिसिबल नहीं होते। या फिर पटवारी से फर्द निकलवा ली है हमने, लेकिन उसके ऊपर पटवारी के सिग्नेचर मौजूद नहीं है, खाली की खाली फर्द है, कॉपी है, वो किसी भी एविडेंस में एडमिसिबल नहीं होगी। या इसके अलावा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे उसमें अपना एविडेंस में एडमिसिबल ना माना जा सकता हो, जब तक के उसके ऊपर ऑथोराइज्ड ऑफिसर के सिग्नेचर्स मौजूद ना हो। उसके बाद नंबर 3 पे है ऑफिशियल नोट्स एंड कॉरेस्पोंडेंस ऑन कॉपीज देयर ऑफ बीइंग नॉट पब्लिक डॉक्यूमेंट्स शैल नॉट बी इशूड एंड शैल नॉट बी एडमिसिबल इन एनी केस। जो ऑफिशियल नोट्स से मुराद ये है कि अगर कोई, जिस तरह एक वकील का जो लेटर पैड है उसके ऊपर अगर आप कोई स्टेटमेंट लिख के किसी को भी आप दे रहे होते हैं, तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता, और ना ही उस पब्लिक डॉक्यूमेंट की कोई सर्टिफाइड कॉपी आप किसी भी कोर्ट में पेश कर सकते हैं। या फिर जिस तरह कोई डॉक्टर है, डॉक्टर का जो नुस्खा लिख के दिया जाता है उसकी उसके पास जो लेटर पैड होता है, उसके नाम लिखा होता है, बाकी उसके कवायद जो कुछ भी है, उसके ऊपर जो नुस्खा लिख के उसने उस पेज के ऊपर देना है, वो जो पेज है उसका या वो जो नोट होगा वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता। लिहाजा उसको, बल्कि बाज दफा उसी पेज के ऊपर एक छोटी सी फ्रेज लिखी होती है, नॉट यूजेबल इन एविडेंस। या नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एविडेंस। तो ये जो है, ये ऑफिशियल नोट्स या कॉरेस्पोंडेंस हम इनको कह सकते हैं, लेकिन ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। लिहाजा इन पब्लिक इन डॉक्यूमेंट्स को, इन चीज़ों को हम एविडेंस में भी जो है वो नहीं पेश कर सकते। इसके कंटेंट्स को हम लोग एविडेंस में पेश नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर होता है कि जब बाज़ दफ़ा फैमिली केसेस में जो रसीदें वगैरह दी जा रही होती हैं, वो हम पब्लिक डॉक्यूमेंट के तौर पे नहीं दे रहे होते। नहीं, 87 में कोई अमेंडमेंट नहीं है साना, आर्टिकल 87 में, बल्कि क्या पूरी क्यूएसओ में कोई खास अमेंडमेंट नहीं है सिवाय आर्टिकल 164 के। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 88 पे, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। सच सर्टिफाइड कॉपीज मे बी प्रोड्यूस्ड इन प्रूफ
जी आर्टिकल 87 की एक ही एक्सप्लेनेशन है, आर्टिकल 87 की एक्सप्लेनेशन एक है, लेकिन इसके जो सब आर्टिकल हैं वो तीन हैं। ये अभी किसी ने शेयर भी की थी आर्टिकल 87 की, अभी स्क्रीनशॉट किसी ने शेयर किया था, वहां से आप इसको देख लें, या फिर कोई दोबारा सेंड कर सकता है तो काइंडली आप सेंड कर दें। एक्सप्लेनेशन एक ही है 87 की, लेकिन सब आर्टिकल 2 और 3 है इसमें मौजूद। बस किताब आपने नई खरीदी है रमजान साहब, अमेंडेड में भी के ना हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे होता क्या है, कॉपी पेस्ट करके किताबें जो है वो पब्लिश कर दी जाती हैं, बजाय इसके के उनमें अमेंडमेंट वो अमेंडेड हो या ना हो, जस्ट कॉपी पेस्ट किया, पब्लिश किया और मार्केट में ले आए, अमेंडेड के नाम से उनको सेल कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आर्टिकल 88 पे, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज, सच सर्टिफाइड कॉपीज मे बी प्रोड्यूस्ड इन प्रूफ ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और पार्ट ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच दे परपोर्ट टू बी द कॉपीज। अच्छा जी, अब यहाँ पे 87 जो है, 87 में तो हम सिर्फ उसकी कॉपी ले रहे थे सर्टिफाइड, किसी भी डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी ले रहे थे। अब 88 जो है वो एक जनरल रूल हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है 88 के तहत, कि जो सर्टिफाइड कॉपीज हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की, वो उस डॉक्यूमेंट के, उस पब्लिक डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को, चाहे वो उसका कोई भी पार्ट है, उस पब्लिक डॉक्यूमेंट के किसी भी पार्ट के किसी भी कंटेंट्स को प्रूफ करने के लिए वो सर्टिफाइड कॉपीज कोर्ट में एडमिसिबल होती हैं जब एविडेंस दी जा रही हो। जी क्लियर हो गया, 88 जो है, आर्टिकल 88, इसके तहत हम सर्टिफाइड कॉपी अपनी एविडेंस में दे रहे होते हैं। अगर पूछा जाए कहाँ लिखा है कि सर्टिफाइड कॉपी दें, तो ये आर्टिकल 88 में लिखा है। उसके बाद है जी 89, प्रूफ ऑफ अदर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं ऐसे भी हैं, के तहत द फॉलोइंग पब्लिक डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड एज फॉलोज। अब यहाँ पे जो 5 तरह के डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, ये एक तरह से समझ लें कि एक स्पेशल सिचुएशन है कि ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हमने किस तरह से प्रूफ करना है, और इनकी आया इनकी जो सर्टिफाइड कॉपी है उसके जरिए प्रूफ करेंगे या कोई और तरीकेकार है इसका, तो ये हम पढ़ते हैं आर्टिकल 89 में। The following public documents may be proved as follows. Number one, acts, orders or notifications of the federal governments in any of its departments or of any provincial government or any department of any provincial government by the records of the departments certified by the heads of those departments respectively or by any document purporting to be printed by the order of any such government
फेडरल गवर्नमेंट हो या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फिर इसके किसी भी इदारे की तरफ से अगर किसी तरह का कोई ऑर्डर, कोई नोटिफिकेशन या फिर कोई भी एक्ट पास होता है तो उस नोटिफिकेशन जी एक्ट ऑर्डर्स और नोटिफिकेशन की बात की गई है अच्छा जी अब यहाँ पे बात हो रही है एक्ट ऑर्डर्स और नोटिफिकेशंस की फेडरल गवर्नमेंट के हो या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हो या फिर उनके किसी भी डिपार्टमेंट के हो तो ऐसी सूरत में क्या है कि उनके जो हेड होते हैं जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है बस एक मिनट जरा जी अच्छा अब बात हो रही है फेडरल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के किसी भी एक्ट ऑर्डर या नोटिफिकेशन की तो जब ऐसा नोटिफिकेशन आता है कोई ऑर्डर या एक्ट पास किया जाता है तो उसे सर्टिफाई किया जाएगा उस स्पेसिफिक या कंसर्न डिपार्टमेंट के हेड से जो भी उस डिपार्टमेंट का हेड होगा वो हेड उसको सर्टिफाई करेगा और फिर हम उस एक्ट या ऑर्डर को बतौर एविडेंस कोर्ट में या फिर किसी भी जगह पे उसको बतौर एविडेंस इस्तेमाल कर सकेंगे। नंबर दो है द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर्स बाय द जर्नल्स ऑफ दोज बॉडीज रिस्पेक्टिवली और बाय पब्लिश्ड एक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट्स और बाय कॉपीज परपोर्टिंग टू बी प्रिंटेड बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट कंसर्न। अब जितने भी जो लेजिस्लेचर से रिलेटेड जितने भी या फिर जो जर्नल्स ऑफ दोज बॉडीज रिस्पेक्टिवली जिनकी पब्लिकेशन होती है एक्ट्स हैं चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट्स एब्स्ट्रैक्ट्स से मुराद ये है उनके जो क्या उसको हम कहते हैं जो पंफलेट्स टाइप या बाद में जैसे अमेंडमेंट आ रही होती हैं तो वो पंफलेट्स की सूरत में वो जो है वो दे दिए जाते हैं। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनकी बाकायदा जो कॉपीज होती हैं उसी कंसर्न्ड जो डिपार्टमेंट है या कंसर्न्ड बॉडी है उसकी सर्टिफिकेट से जिस तरह हमारे एक्ट अदालत का अगर हम बात कर लें कोर्ट्स की बात कर लें तो कोर्ट्स के जो भी जजमेंट्स होती हैं वो जजमेंट्स ओरिजिनली हमारे पास नहीं आते बल्कि जो हमारा वो क्या नाम उसका क्या कहते हैं हाई कोर्ट के जो होते हैं अपना अटॉर्नी जो होते हैं रजिस्ट्रार सॉरी जो रजिस्ट्रार है उसकी तरफ से उसको सर्टिफाई किया जाता है और देन हम उसे कहीं पर भी उसको यूज करते हैं। The acts of the executive or the proceedings of the legislature of a foreign country by journals published by their authority or commonly received in that country as such or by a copy certified under the seal of the country or sovereign or by a recognition thereof in some federal act. अगर किसी दूसरे कंट्री से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उस डॉक्यूमेंट की
जो एग्जेक्टिव या फिर जो उसकी लेजिस्लेचर या जो भी वहां पे अथॉरिटी होगी, जब तक वो उसे सर्टिफाई नहीं करेगी तब तक हम उस डॉक्यूमेंट को यहाँ अपने कंट्री में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट जिसकी मिसाल आप देखें कि आपने अगर कोई जो हम लोग बनवा रहे होते हैं मुख्तारनामा, खास बाजफा बाहर भेजते हैं, बाहर कोई पर्सन रहता है उसे हमने कोई ना कोई पावर ऑफ अटॉर्नी लेना है, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी हमारे पास कैसे पहुंचता है? डायरेक्ट हमारे पास नहीं आता, वो पावर ऑफ अटॉर्नी आता है अम्बेसी से होता हुआ, यानी कि गवर्नमेंट से रिलेट उनके जो एग्जेक्टिव अथॉरिटीज हैं वो, और फिर हमारे पास आने के लिए एम्बेसी के थ्रू बाकायदा उसको सर्टिफाई किया जाता है, और फिर वो डॉक्यूमेंट हमारी एम्बेसी में आता है, वहां से सर्टिफाई होता है, देन वो डॉक्यूमेंट अपनी हम अपनी कोर्ट्स में इस्तेमाल करते हैं। द प्रोसीडिंग्स ऑफ आ म्यूनिसिपल बॉडी इन पाकिस्तान बाय अ कॉपी ऑफ सच प्रोसीडिंग्स सर्टिफाइड बाय द लीगल कीपर देयर ऑफ और बाय अ प्रिंटेड बुक परपोर्टिंग टू बी पब्लिश्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ सच बुक। पाकिस्तान में कोई भी म्यूनिसिपल बॉडी, पाकिस्तान की जो भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जितने हमारे इदारे चल रहे होते हैं, उन एडमिनिस्ट्रेटिव इदारों की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो भी वही शख्स जो के बाकायदा उन प्रोसीडिंग्स को मेंटेन करता है, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जब तक वो उस रिकॉर्ड की कोई कॉपी सर्टिफाई नहीं करेगा, हमारे पास उस कॉपी के आने का कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि वो उसी अथॉरिटी से सर्टिफाई ना हो। फिर है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी अदर क्लास इन अ फॉरेन कंट्री बाय द ओरिजिनल और बाय अ कॉपी सर्टिफाइड बाय द लीगल कीपर देयर ऑफ विद अ सर्टिफिकेट अंडर द सील ऑफ अ नोटरी पब्लिक और ऑफ अ पाकिस्तान काउंसिल और अ डिप्लोमेटिक एजेंट दैट द कॉपी इज ड्यूली सर्टिफाइड बाई द ऑफिसर हैविंग द लीगल कस्टडी ऑफ द ओरिजिनल एंड अपॉन प्रूफ ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द फॉरन कंट्री। अगर किसी फॉरन कंट्री से रिलेटेड उसके किसी डिपार्टमेंट से वो कॉपी हमें कोई चाहिए होती है, कोई भी, जिस तरह हमारे सहाफ़ी अक्सर बैंकों से बाहर कंट्री से जाके कोई ना कोई मटीरियल इकट्ठा कर रहे होते हैं, किसी खास इदारे से जो डॉक्यूमेंट्स ले रहे होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं जब तक उसी स्पेसिफिक या कंसर्न अथॉरिटी से सिग्नेचर ना करवाए जाएं, वो डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में यूज नहीं हो सकते हैं। उसके बाद है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके बारे में हम कैसे प्रिज्यूम कर सकते हैं कि वो एडमिसिबल हैं या फिर एडमिसिबल नहीं है? आर्टिकल 19 के तहत प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम एवरी